हेलो ना दोस्तों, मैं आपका भाई रजनीश आज आप लोगों के लिए कुछ सामान लेके आया हूँ। 2.1 एम्पलीफायर बना दें और आप लोग कैसे बना सकते हैं वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और ये जो क्या क्या उसमें सामान लगेगा वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जो जेन्युइन सामान है वो मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। तो ये देखिए, पहले तो हम स्टार्टिंग करते हैं ये बोर्ड से। तो ये अपना बोर्ड है, ये अपना 2SC5200 ओरिजिनल, इसमें ट्रांजिस्टर लगा हुआ है दोस्तों, ये देख पा रहे होंगे आप। और ये इसमें हमने कनेक्टर्स दे रखे हैं ताकि आपको जो है वायरिंग शोल्डिंग करने की झंझट ना हो। इसमें यहाँ पे जो है TP142-140 ट्रांजिस्टर हमने यहाँ पे यूज़ कर रखे हैं छोटे वाले। और यहाँ पे आपको ना कनेक्टर्स पे आपको सप्लाई देनी है प्लस माइनस 30 0 30 प्लस 30 माइनस और ज़ीरो ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे इसके वायरिंग है और ये इनपुट का सेक्शन है, और यहाँ पे आपको आउट लिखा हुआ है कनेक्टर। यहाँ पे आपको स्पीकर का आउट जोड़ना है, सबवूफर के लिए या स्पीकर के लिए आप चला सकते हो इस पर 30 0 30 तक का ट्रांसफार्मर आराम से। ये और ये अपने पास ये बोर्ड है सैलसन का स्टीरियो बोर्ड है, ये न्यू बोर्ड लॉन्च हुआ है दोस्तों, अभी किसी के पास होगा भी नहीं। तो ये स्टीरियो बोर्ड है, इसमें भी आप 30 0 30 आप यहाँ पे कनेक्टर्स इसके दे रखे हैं कुछ इस टाइप से। ये कनेक्टर्स हैं, ये यहाँ पे लग जाएंगे आपके, यहाँ पे 30 0 30 लगाना है आपने। और ये जो है बड़े वाले कनेक्टर्स, यहाँ पे आपके स्पीकर्स लगेंगे और यहाँ पे आपकी इनपुट होगी छोटे वाले कनेक्टर्स में, ठीक है। और यहाँ पे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर, ये 139-140 BD 139-140 के ट्रांजिस्टर इसमें यूज़ कर रखे हैं। और ये भी 2SC5200 के ट्रांजिस्टर है ओरिजिनल, ये भी ओरिजिनल ट्रांजिस्टर है दोस्तों। तो और इसमें जो ट्रांसफार्मर हम यूज़ करेंगे, ये देखिए आप ट्रांसफार्मर देख पा रहे होंगे, ये ट्रांसफार्मर अपना 10 एम्पियर का है 30 0 30 10 एम्पियर। तो ये उल्टा रखा हुआ है, अभी इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये होगा, ये 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है दोस्तों। और ये भी 12 0 12 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, ये 10 एम्पियर का, ये 5 एम्पियर का है। और इसमें भी 0 12 आपको मिलता है, यहाँ पे दो ग्रीन वाले वायर है, इसमें 0 12 मिलता है, इसमें भी आपको 0 12 मिलता है। बस ये 5 एम्पियर का है, ये 10 एम्पियर का है। और इसके साथ जो सैलसन का ये अपना ब्लूटूथ मॉड्यूल है, ठीक है, जो अपना आउटपुट के लिए इनपुट के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये अपना 2.1 का बेस ट्रेबल बोर्ड है 5 मिड का, और ये अपना बेस ट्रेबल बोर्ड है सैलसन का, बेस ट्रेबल मिड विथ सबवूफर, ये अपना बोर्ड होता है। इसे मैंने पहले भी वीडियो में दिखा रखा है दोस्तों, काफ़ी अच्छा ये वर्क करता है। इसे हम 2.1 एम्पलीफायर बनाने वाले हैं। और इसमें आपको देखिए यहाँ पे ट्रेबल मिलता है, मिड मिलती है, बेस मिलता है, वॉल्यूम मिलता है और सबवूफर मिलता है। 5 टोन दिए गए हैं यहाँ पे, आपका लेफ्ट राइट ग्राउंड जो है आउट लिखा हुआ है, यहाँ पे आउट है और इधर इनपुट होगा इसका, कार्ड का जो है कार्ड से आएगा इनपुट यहाँ पे होगा, और सबवूफर का आउटपुट जो है इस बोर्ड में चला जाएगा। इसमें 2 वायर्स दे रखी है, ये 2 वायर्स हैं या इसके इनपुट में जाएंगी प्लस माइनस में, यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे लगा देना है। और जो इसका स्टीरियो का आउट है, यहाँ पे 3 वायर्स हैं लेफ्ट राइट ग्राउंड, ये आपकी इन कनेक्टर्स में ग्राउंड वाला जो है, ये इसके ये जो ग्राउंड है यहाँ पे दोनों का ग्राउंड का बीच वाला दोनों शॉर्ट कर देना है, ग्राउंड लगा देना है, ये आपके इसके कनेक्शन हो जाएंगे। और इसको चलाने के लिए जो है इसको आप 12 0 12 1 एम्पियर का आप ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। ये देखिए सैलसन का हम ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं इसके अंदर, ये ट्रांसफार्मर हम इसके अंदर लगाएंगे। और 1 एम्पियर का ये ट्रांसफार्मर है 12 0 12 का ही, क्योंकि ये 12 0 12 एसी से चलता है। इसमें डायरेक्ट आप ये देखिए डायोड वगैरह लगा रखें, यहाँ पर आपको इसके कनेक्टर देने बस। और जो है 0 12 जो इसमें से निकलेगा ट्रांसफार्मर से, यहाँ पर आपको 78 05 से एक सप्लाई बनानी पड़ेगी और फिर वो लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसकी अगली वीडियो में मैं इसकी वायरिंग के बारे में बताऊंगा, वायरिंग करके दिखाऊंगा, इसकी साउंड टेस्ट भी कराऊंगा। और ये जो है अपने ट्विटर्स है,
ये ट्विटर अपने किसी भी स्पीकर्स में लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो था, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। जिस भाई को ये सामान चाहिए वो हमसे परचेज़ कर सकता है। और ये थोड़े हैवी बोर्ड है दोस्तों, ठीक है, काफ़ी जेन्युइन बोर्ड है। 3030 पे मुश्किल ही काफ़ी लोग कोई नहीं बनाता, लेकिन हमारे पास जो है सारे फिलिप्स के इसमें जो है सामान लगे हुए। इस बोर्ड में फ़र्क देख सकते हो आप, ठीक है। और ये बोर्ड काफ़ी महंगा है, ये थोड़ा सस्ता है, लेकिन ये बट जो है ये बोर्ड महंगा है, ठीक है। और ये 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर भी थोड़ा महंगा है, ठीक है। अराउंड आप लोगों को ये सामान, सारा सामान जो है 3 से 4 हज़ार रुपये के बीच में मिलेगा आपको। 4 हज़ार रुपये के अराउंड ये सारा सामान आपको मिलेगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके ये सब मंगवा सकते हैं, ठीक है भाइयों। तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।